देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 4,789 से ज्यादा लोगों में वायरस की पुष्टि। 24 घंटे में कोरोना के 354 नए मामले, 8 लोगों ने गवाई जान। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 124 तक पहुंचा, 353 लोगों ने जीती वायरस से जंग। कोरोना संदिग्धों को लेकर सख्त हुई केंद्र सरकार, क्वारंटीन किए गए लोगों पर कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। कोरोना संदिग्धों और मरीजों के इलाज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था, कोरोना हेल्थ सेंटर, कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पूर्वानुमान से बचने की दी सलाह, कहा अलग अलग राज्यों में हालात देखकर होगा फैसला। ICMR ने कहा बढ़ाई जा रही कोरोना टेस्ट की संख्या, अब तक 1,00,000 से ज्यादा किए गए क्वारंटीन। राज्य सरकारों को दिए कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती के आदेश। देश में जारी है कोरोना कहर, सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों ने केंद्र से लॉकडाउन की सीमा बढ़ाने की गुजारिश की। कोरोना संकट पर दिल्ली में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उनके घर पर हुई GOM की चौथी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहे कैबिनेट के 16 दिग्गज मंत्री। लॉकडाउन पर मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह का बयान, जिंदगी बचाना जरूरी, अर्थव्यवस्था बाद में भी संभाली जा सकती है। लॉकडाउन पर राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बयान, हालात के हिसाब से हमें फैसला करने का हो अधिकार। कोरोना संकट पर दिल्ली के CM केजरीवाल ने तैयार किया 5T प्लान, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग पर जोर। CM केजरीवाल ने दी जानकारी, 50,000 लोगों के टेस्ट की है तैयारी, 1,00,000 रैपिड किट का दिया ऑर्डर। CM योगी के मुताबिक यूपी में अब तक 308 कोरोना पीड़ित पाए गए, इनमें से 168 तबलीगी जमात से जुड़े। CM योगी ने कहा कोरोना जांच क्षमता बढ़ाने में होगा कोविड केयर फंड का इस्तेमाल, मंडलीय जिला अस्पतालों में बनेंगी टेस्टिंग लैब। यूपी के 24 मेडिकल कॉलेजेस में से 10 में है कोरोना टेस्टिंग लैब, जल्द 14 मेडिकल कॉलेजेस में भी होगी कोरोना जांच की सुविधा। CM योगी ने कहा प्रदेश के सभी 75 जिले में कोरोना जांच के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। सोनिया गांधी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना संकट में सांसदों के 30% वेतन की कटौती का स्वागत किया। सोनिया का सुझाव, PM केयर फंड की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर किया जाए। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मदद मांगने की भी दिखाई हेठी, दिखा धमकी भरा लहजा, कहा भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा नहीं देता तो अमेरिका जवाब देगा। ट्रंप के बयान का मोदी सरकार ने दिया जवाब, दवा का पर्याप्त भंडार होने पर भी कोरोना प्रभावित देशों को सप्लाई की जाएगी पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। मोदी सरकार का बयान, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते अपने नागरिकों के लिए दवा का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य। ट्रंप की धमकी पर राहुल गांधी का पलटवार किया ट्वीट, मित्रता में प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, जीवन रक्षक दवाएं पहले भारतीयों के लिए सुनिश्चित हों। 2 जून तक स्कूल और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक बढ़ाने पर फैसला मुमकिन, अफसरों के ट्रांसफर भी 6 महीने तक टाले जाने की संभावना। दिल्ली के नरेला पुलिस स्टेशन में जमातियों के खिलाफ केस दर्ज, क्वारंटीन सेंटर में टॉयलेट करने का आरोप। मुंबई में भी तबलीगी जमात से जुड़े 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज, BMC ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया केस। उत्तराखंड में DGP की सख्त चेतावनी, 180 जमाती, हरिद्वार में 2 जमातियों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज, 10 साल तक हो सकती है सजा। जमातियों को गोली मारने वाला बयान देकर घिरी हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे, पुलिस ने थाने से जाकर किया गिरफ्तार। कानपुर में 9 जमातियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, हैरट हॉस्पिटल में हो रहा इलाज। जमातियों को ही फंडिंग की होगी जांच, मरकज से जुड़े आरोपियों के बैंक खातों की जांच करेगा क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच ये पता लगाने में जुटी, मरकज से जुड़े लोगों को कौन कौन लोग और कौन कौन सी संस्थाएं कर रही थी फंडिंग। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जांच के लिए जाने वाली फोरेंसिक टीम को भी किया गया क्वारंटीन। भरतपुर में कोरोना को सोशल मीडिया में भ्रम फैलाने वाले मौलवी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में फरार जमाती को पुलिस ने पकड़ा, दोबारा क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 1,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। तमिलनाडु में कोरोना की वजह से 5 लोग गवा चुके हैं जान, मरीजों की तादाद 621। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 305 मरीज, 3 की गई जान। दिल्ली में 523 तक पहुंची मरीजों की संख्या, 7 की मौत। केरल में 327 लोग कोरोना पॉजिटिव, 2 की गई जान। दिल्ली सरकार ने तबलीगी मरकज से निकाले गए 1,950 जमातियों के नंबर पुलिस को सौंपे, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाले की पुलिस। दिल्ली जल बोर्ड का दावा, लॉकडाउन के दौरान यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार, हरियाणा से आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा भी कम। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली पुलिस की पहल, 85,000 पुलिसकर्मियों ने PM केयर फंड में दान किया 1 दिन का वेतन। फर्स्ट लाइन वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आए युवा, दिल्ली की सड़कों पर पुलिस बैरिकेड्स पर सैनिटाइजर का छिड़काव। लॉकडाउन में भी चल रही है बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों की ओर से की गई ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था। एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बयान, कई राज्यों में डॉक्टर्स को नहीं मिल रही सेफ्टी किट। निजामुद्दीन इलाके में कोरोना के रैपिड टेस्ट की तैयारी, जमातियों की वजह से बना हॉटस्पॉट।
डीआरडीओ और विप्रो की साझा मुहिम, डॉक्टर और नर्सों के लिए मिलकर बनाए फुल फेस कवर शीट। दिल्ली में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को बंद किया गया, संस्थान में पाए गए थे 13 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 82 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होने के बाद एलएनजेपी अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। झांसी में रक्सा थाने में कोरोना से बचने के लिए अनोखा इंतजाम, कूलर के पानी में मिलाया गया सैनिटाइजर। टिहरी के गेस्ट हाउस में 26 जमातियों को किया गया क्वारंटीन, दूसरे जिलों से आए हुए 23 जमाती शामिल। अलीगढ़ पुलिस ने हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन के पति को किया गिरफ्तार, जमात पर दिया था विवादित बयान। लॉकडाउन की वजह से बड़ी ग्रेटर नोएडा में किसानों की मुश्किलें, खेतों में खड़ी फसल की नहीं हो पा रही है कटाई। मेरठ कैंट इलाके में बनाया गया सैनिटाइजेशन केबिन, पूरे जिस्म को सैनिटाइज करने का बंदोबस्त। राशन के लिए परेशान गरीब महिलाओं की गुहार पर नोएडा के डीएम सुहास एल राय का तुरंत एक्शन, फोन पर लगाई अफसरों की क्लास, तुरंत सप्लाई का दिया आदेश। तो इनको राशन आज पहुंच जाए, अगर इनको आज राशन नहीं पहुंचेंगे तो आपके दफ्तर मैं पहुंचूंगा। अभी नोएडा पुलिस कमिश्नर भी कोरोना से जंग में सड़क पर उतरे, जरूरतमंदों तक पहुंचाए मास्क, लोगों को घरों में रहने की दी नसीहत। यूपी के शामली में दो मस्जिद में छिपे 6 जमातियों के बीमार होने की मिली खबर, फौरन पहुंचा मेडिकल स्टाफ, सभी को किया गया क्वारंटाइन। हाथरस पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों और बिना फेस कवर किए घूमने वालों पर बरती सख्ती, दिया दंड। यूपी के गोरखपुर में बनाई गई प्रदेश की पहली सैनिटाइजिंग टनल, सब्जी मंडी के करीब बनी इस टनल से गुजरने वाला हर शख्स होगा सैनिटाइज। वाराणसी में गरीबों के लिए खाना बनाने में जुटे साधु सन्यासी, मठों और मंदिरों में हजारों लोगों के लिए रोज बनाया जा रहा है खाना। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में खोला गया कोरोना सैंपल सेंटर, मरीजों से दूर रहकर लिया जा रहा है सैंपल। दिल्ली में लोगों से शबे बारात पर घर में ही रहने की अपील, कनॉट प्लेस सहित कई इलाकों में लगाए गए पोस्टर। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने दी सजा, कराई उठक बैठक। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव वेस्ट में मारा छापा, 40 लाख रुपए के N95 मास्क और सैनिटाइजर बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, क्रेटा गाड़ी भी जब्त। महाराष्ट्र में कोरोना पर साइबर सेल ने रजिस्टर किए 115 केस, कोरोना पर गलत खबर देने का आरोप। लॉकडाउन की वजह से मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाली दिहाड़ी मजदूर परेशान, कमाई बंद होने से मुश्किल हुआ जीवन यापन। फतेहपुर शेखावटी में जनधन खाते का पैसा निकालने के लिए उमड़ी भीड़, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोटद्वार में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कोरोना फाइटर टीम का किया गठन, टीम में शामिल 20 रिटायर्ड सैनिक। कोरोना से जंग के बीच कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं सौहार्द, बाड़मेर में एक शख्स ने समुदाय विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया में जारी किया ऑडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के खिलाफ जंग में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा, 7,000 लोग अब क्वारंटाइन। फतेहपुर शेखावटी में एक सरकारी कर्मचारी ने पत्नी के साथ मिलकर बनाए 500 मास्क, जरूरतमंदों को बांटा। जयपुर में कोरोना की वजह से लागू है धारा 144, शबे बारात पर लोगों से की गई घर से ही दुआ और नमाज की अपील। बहादुरगढ़ के बीड गांव में सीमा सील करने पर भिड़े दो गुट, छतों से जमकर पत्थरबाजी। छिंदवाड़ा में सब्जी मंडी के गेट पर बनाई गई सैनिटाइजिंग टनल, कोरोना से एक युवक की मौत के बाद एहतियाती उपाय। भोपाल में वायरस की चपेट में आए कोरोना वॉरियर, 14 पुलिसकर्मी, 37 डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव। लेक टाउन में कोरोना को लेकर अनोखा जागरूकता अभियान, सड़कों पर पेंटिंग कर रहे हैं पुलिसकर्मी। मुजफ्फरनगर में जमातियों की जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, SSP ने दिया अल्टीमेटम। दतिया में लॉकडाउन का पालन कराने में नाकाम हुई पुलिस, बैंकों और सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़। गुवाहाटी में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का एक विधायक गिरफ्तार, क्वारंटीन सेंटर को डिटेंशन सेंटर से बदतर बताने पर कार्रवाई। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में दी कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी, पिछड़े राज्यों का ख्याल रखे केंद्र सरकार। यूपी के प्रतापगढ़ में क्वारंटीन सेंटर से दूसरे दिन ही घर चले गए 15 लोग, अव्यवस्था का हवाला दिया। देश भर में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को इस वक्त कोरोना का संक्रमण हुआ, भोपाल में 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस, स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव और दूसरे अफसरों को कोरोना पॉजिटिव होने पर फौरन आइसोलेशन में ना भेजने का मामला।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।